दुनिया जो है वो हमें जीवन देती है, इसलिए अपने यहाँ जो है जल को पूजा जाता है, जल को देवता इसलिए कहते हैं, जल देवता। तो इसलिए हम सबको ध्यान में आना चाहिए कि जैसे जल हमारा जीवन है, उसी प्रकार उस जल में भी जीवन है और वो जीवन हमें जीवन देता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें इस जल का सम्मान करना चाहिए, हमें इस जल का जल की पूजा करनी चाहिए। एक बात तो ये सब ध्यान में रखेंगे क्या सब बच्चे घर के अंदर, हम सब जल की पूजा करें, प्रातःकाल उठते ही जल को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वो हमें जीवन देता है। दूसरी बात, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं? ये सारे लोग पानी पीते हैं। अच्छा, ये जो प्लास्टिक जो बनता है ये किससे बनता है बता सकते हैं क्या? प्लास्टिक किससे बनता है? ये जो प्लास्टिक है ये पेट्रोल के फाइबर से बनता है। और पेट्रोल किससे बनता है? जीवाश्म जो होते हैं वो जो मर जाते हैं जमीन के अंदर और अनेक सालों के बाद में उससे वो पेट्रोल बनता है। तो इस पेट्रोल से जो प्लास्टिक की बोतल बनती है इसमें बीपीए नामक टॉक्सिक होता है, और ये जो बीपीए नामक जो टॉक्सिक होता है जब पानी प्लास्टिक की बोतल में डालते हैं तो ये टॉक्सिक की मात्रा उस पानी के अंदर घुल जाती है, और जब हम उस पानी को पीते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे हम कहते हैं हम पानी तो साफ पीते हैं लेकिन फिर बीमार क्यों होते हैं? उसका कारण है कि प्लास्टिक की बोतल में जो पानी पीते हैं उसके कारण से हमारी किडनी खराब होती है, हमारा लीवर खराब होता है, हमें शुगर की प्रॉब्लम होती है, हमारी मेमोरी लॉस होता है, हमारे दांत खराब होते हैं, बाल झड़ते हैं। इतनी सारी बीमारियां जो है ये प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से होती है। इसलिए हम सबको ये तय करना होगा कि हम अपने घर के अंदर या कहीं भी जाते हैं वहां प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पिएंगे। स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं प्लास्टिक की बोतल नहीं लेकर जाएंगे, उसमें पानी नहीं रखेंगे। तांबे की बोतल हो सकती है, स्टील की बोतल हो सकती है, कांच की बोतल हो सकती है, उसमें हमें पानी पीना चाहिए। घर के फ्रिज के अंदर भी प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, प्लास्टिक की बोतल का जब हम उपयोग करते हैं, अभी एक नई रिसर्च आई है, ये जो प्लास्टिक समुद्र में चला जाता है बहकर, अभी जापानी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, उसमें से ये पाया गया जो समुद्री जीव है उनके शरीर में से प्लास्टिक के कण मिले हैं। जब समुद्री जीव के अंदर प्लास्टिक के कण मिले हैं, समुद्र में जो प्लास्टिक जाता है, तो जो प्लास्टिक का पानी हम पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी उसके कण जाते होंगे जरूर, और जिसके कारण से हम सब अच्छा करते हैं लेकिन बीमार होते हैं ये हमें पता नहीं होता। तो इसलिए जो है यार हम सबको ये तय करना चाहिए कि प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पिएंगे। अब आप में से कितने लोग हैं जो प्लास्टिक की बोतल पे आज के बाद पानी नहीं पिएंगे? शाबाश, बहुत अच्छा। अच्छा, अब तीसरी बात, ये जो पानी है ये प्रकृति ने दिया है अपने को, इस पानी को कोई बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। और प्रकृति ने जो पानी दिया है ये प्रचुर मात्रा में दिया है। अब ये जो पानी प्रकृति ने दिया है
ये पानी सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको पानी मिले तो क्या इसका पैसा लगना चाहिए क्या? जो चीज जिसकी मालिक प्रकृति है उसको बेचने का अधिकार किसको दिया, किसने दिया है? तो हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि पानी बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी प्रकृति ने दिया है और जो चीज प्रकृति ने दी है, यानी पांच चीजें जो है जिससे हमारा शरीर बनता है, वो पांच चीजें जो है कौन कौन सी चीजें हैं बता सकते हैं जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है? चलिए पीछे जा बताइए। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। हाँ, ये जो पांच चीजें बताई है ना, ये हमारा शरीर या ये सृष्टि जो है, इस सृष्टि की रचना इन पांचों तत्वों से हुई है और ये पांचों तत्व जो है इस प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है। पांचों तत्व बिकने नहीं चाहिए, उसमें से जलाधिकार जो है जल के ऊपर काम कर रहा है और ये कहता है कि जल बिकना नहीं चाहिए क्योंकि ये जीवन तत्व है, ये प्रकृति ने दिया है। कोई भी कंपनी, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था इसको बेच नहीं सकते हैं। यदि और भी पैसा कम पड़ता है तो सरकार टैक्स के रूप में से पैसा और ले ले हमसे, लेकिन पानी सबको मिलना चाहिए, क्योंकि पानी केवल मनुष्य के लिए जरूरी नहीं है। पानी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, उन सबके लिए आवश्यक है। और यदि पानी बिकेगा, ये बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे, पानी बिकेगा तो चलो अपन तो पानी खरीद लेंगे, लेकिन ये पशु पक्षी पानी खरीद पाएंगे क्या? ये जो पशु पक्षी पानी नहीं खरीद पाएंगे ये मर जाएंगे, क्योंकि जो चीज पैसों से मिलती है तो फिर इनको पानी कौन पिलाएगा? इसलिए प्राणी मात्र को पानी निशुल्क मिलना चाहिए। केवल पानी पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, प्राणी मात्र का अधिकार है। और इसलिए ये बात भी हम सबको बतानी पड़ेगी। हम जहां कहीं भी आपस में बैठते हैं, अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, उनको भी बताना होगा कि देखो भाई, पानी नहीं बिकना चाहिए, पानी को बेचने का अधिकार किसी का भी नहीं है। तो ये तीन बातें हमें ध्यान में रखना है। पानी बिकना नहीं चाहिए, ये बात हम सबको बताएंगे। जल में भी जीवन है और प्लास्टिक की बोतल में पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक मैं परिचय करवा दूं, हमारे बीच में श्री अनमोल सोवित जी हैं। ताली बजा के स्वागत करो सबने। ये जो Y20 है ना, जो आपको पता होगा कि देश में, जैसे मैंने बताया था शुरू में, कि G20 का एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष कार्यक्रम चल रहा है, जो पूरे विश्व के 20 से भी ऊपर कंट्रीज के, 29 कंट्रीज के लोग यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रमों में आएंगे। तो उसके साथ एक Y20 करके युवाओं के लिए, तो वह एक कार्यक्रम जो चल रहा है पूरा प्रधानमंत्री जी का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनका बड़ा प्रेरणादायी कार्य पूरे देश में युवाओं के बीच चल रहा है। लद्दाख के भी प्रभारी हैं, वहां पे भी रहते हैं और अलग अलग क्षेत्र में ये कार्यक्रम ये कर रहे हैं। तो मैं इनका स्वागत भी करता हूँ और ये जो आज का इस कार्यक्रम की प्रेरणा भी अनमोल सोवित जी के और कुबेर के चर्चा के बीच में, या फिर आदित्य जी और सब टीम जुड़ के जब ये घर आए थे परसों तो बात हुई थी, तो ये कार्यक्रम का स्वरूप यहाँ बना। तो मैं चाहूंगा कि आप भी, जैसे मैंने पर्यावरण के बारे में, हर आदमी का पार्टिसिपेशन से कैसे पर्यावरण बच सकता है वो मैंने बोला, कैलाश जी ने जल के विषय में रखा, तो सोवित जी, अनमोल जी अपना पूरी परिकल्पना भी रखेंगे चौपाल की और आप लोगों को संबोधित करेंगे। फिर यहाँ पे जो अलग अलग सोवित जी अलग अलग यहाँ के एनजीओ के रूप में जो कार्य एक्टिविस्ट के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आप बोलेंगे, तो फिर 5-5 मिनट सब अपने अपने कार्य को प्रमुखता से बता देंगे, है ना, सभी सूर्या संस्थान से।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। परम वंदनीय मातृभूमि, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, कैलाश जी, सम्मानित मंच, सभी आदरणीय जन और यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी का मैं आज के कार्यक्रम में पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम आयोजन के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जो आज का ये कार्यक्रम है, जल संचय और वाटर डे, पानी दिवस जो है, आज का ये कार्यक्रम उस दिन पे रखा। काफी कम समय में इन्होंने निर्णय लिया कि ये कार्यक्रम किया जाए के कंधों पे।